विनी हमें बताएंगे कि नंबर्स आए कैसे हैं। इनफैक्ट टू द फेस ऑफ इट, डाबर के जो नंबर्स आए हैं वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है और इन लाइन रहे हैं नंबर्स जो एस्टिमेशन था ईटी नाउ का। एक बार विनी से और डिटेल्स ले लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में और साथ ही रेवेन्यू और टॉप लाइन किस तरह, टॉप लाइन और प्रॉफिट किस तरह से रहा है। विनी बताएं। डाबर ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए, ओवरऑल देखे तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं डाबर से। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ देखे सब इनलाइन है ईटी नाउ एस्टिमेट्स के साथ और वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम अराउंड है 5% की वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी ने भी हाईलाइट की थी अपनी Q1 अपडेट में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, तो वही आ रही है 5% वॉल्यूम ग्रोथ दिस टाइम अराउंड। उसके अलावा रेवेन्यूज की बात करें 8% रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो ओवरऑल मार्जिन की बात करें, यस स्लाइट बिट ऑफ डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है मार्जिन्स में, 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे, महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर रहे हैं मार्जिन्स पे वो बरकरार है इवन ये इस क्वार्टर में। और जो 5% प्राइस हाइक ली थी कंपनी ने वो बचा रही है मार्जिन्स को, वो सपोर्ट कर रही है मार्जिन्स को और मिटिगेट कर रही है वो ज्यादा डिक्लाइन जो मार्जिन देख सकते थे उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट रहा है मार्जिन्स को और सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आ रही है वो है कि रूरल और अर्बन ग्रोथ दोनों डाबर के लिए सेम रहे थे, ऑन पार रहे थे, इक्वल रहे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल इन ऑल कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है, वेदर बेवरेज सेगमेंट में देखे जहां पे उन्होंने 50%+ की ग्रोथ देखी है, होम केयर बिजनेस में भी 52% की ग्रोथ देखी है, आउट ऑफ होम कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है तो ये ट्रेंड बरकरार रहा है। फूड बिजनेस में भी अच्छी 35% की ग्रोथ रही है, ओरल केयर और स्किन केयर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल कंपनी ने 98% पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर भी गेन किए, तो काफी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम कंपनी ने वहां पे देख ली है। तो ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है डाबर से।